इन दिनों कर्नाटक कांग्रेस अजब धर्म संकट में है। परिस्थितियां इनके पक्ष में होते हुए भी ये चुनाव के लिए बहुत आश्वस्त रही है। समस्या ये है कि इनके पास सशक्त नेतृत्व ही नहीं है, क्योंकि सिद्धारमैया उस योग्य है ही नहीं। डीके शिवकुमार चौहान भी अपना सिक्का नहीं जमा पा रहे हैं। जी परमेश्वर वर्तमान नेतृत्व में चुनाव में सक्रिय रूप से भाग ले पाएंगे, और मल्लिकार्जुन का दिल्ली कनेक्शन ही उनके आड़े आ रहा है। कुल मिलाकर बहुत घोर संकट है कांग्रेस के पास। अब समय की मांग के अनुसार कर्नाटक कांग्रेस ने हाईकमान से एक विशेष अनुरोध किया है, कुछ भी कीजिए पर राहुल गांधी को नियंत्रित कीजिए। ऐसे में खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के स्थानीय नेता राहुल गांधी के संबंध में चाहते हैं कि वे जितना हो सके अपने एजेंडावाद से दूर रहे। उनके अनुसार राहुल स्थानीय मुद्दों पर कम और मोदी अडानी पर आवश्यकता से अधिक अनगरलाप करते हैं। उनके अनुसार एक दो बार हो तो चलता भी है, परंतु स्थानीय विषयों को दरकिनार कर अपने ही एजेंडे को थोपना कहां की समझदारी है। कर्नाटक कांग्रेस के स्थानीय नेता इस विषय पर किसी भी एंगल से गलत नहीं सोच रहे। उन्होंने 2017 के पंजाब चुनाव, 2018 के कर्नाटक चुनाव एवं 2022 के हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का अनुभव किया है, तो इन सब में समान बात क्या है। सर्वप्रथम यहां स्थानीय नेतृत्व में मोर्चा संभाला हुआ था, और यहां राहुल गांधी की उपस्थिति लगभग अनगणनीय थी। 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुनिश्चित किया था कि राहुल पंजाब के आसपास भी ना दिखाई दे, और 2022 में तो स्वयं प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ था। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में भी प्रमुख तौर से सिद्धारमैया ने उस समय मोर्चा संभाला हुआ था, और परिणाम स्वरूप इनमें से किसी भी राज्य में कांग्रेस को कोई हानि नहीं हुई। जहां एक और पार्टी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग चुका था, तो दूसरे इन राज्यों के परिणामों ये सिद्ध किया गया है कि पार्टी का स्थानीय नेतृत्व अभी नष्ट नहीं हुआ है। कर्नाटक में भले ही एक वर्ष के लिए सही, परंतु भाजपा से कम सीट होते हुए भी कांग्रेस ने सत्ता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। राजनीति इसी का नाम है। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न तो अभी भी यथावत है, क्या कांग्रेस के युवराज इन शर्तों को स्वीकार करेंगे। इसके पुराने रिकॉर्ड और इनकी मंशाओं को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वर्षों पूर्व स्थानीय मुद्दों के विषय पर राहुल गांधी ने एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता को बुरी तरह अपमानित किया था, और उस दिन के बाद से उसी हिमंता बिस्वा शर्मा की कृपा से कांग्रेस पूर्वोत्तर में सरकार बनाना तो दूर, 10 सीट भी नहीं जुटा पा रही है। इसके अतिरिक्त उनके उच्च विचारों से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। जब भी इनका मुख खुलता है, भाजपा के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी गारंटी रहती है। इन्हें यूं ही भाजपा का स्टार प्रचारक नहीं कहा जाता। ये बातों ही बातों में इतना आयुध देते हैं, जिसका उपयोग कर भाजपा कांग्रेस के रेतीले दुर्ग का विध्वंस करने में सफल रहती है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से कांग्रेस इन दिनों राई का पहाड़ बनाने पे तुली हुई है, उससे ये भी स्पष्ट है कि 2024 के पूर्व में किसी भी स्थिति में राहुल गांधी का कद कम नहीं होने देंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।